स्टार का जो कैमरा एंगल है वो इतना ओपी लगता है ना देखने में, मतलब यार गॉड लेवल लगता है भाई। वो क्या कर रहा है जो बंदा एक्सपेक्ट कर रहा होता है उसको देखने में काफ़ी ओपी लगता है। और साथ ही में रायस्टार तो अच्छे खासे वन टैप तो मारता ही है। बट गाइस काफ़ी बंदों को कंफ्यूजन रहता है कि वो थर्ड आइज के बिना, जब पहले थर्ड आइज नहीं आया था, मतलब ये जो ऑप्शन होता है ये तो कुछ ही दिन पहले आया है, तो उससे पहले भी रायस्टार ऐसा मूवमेंट करता था और उसका कैमरा एंगल देखने में बड़ा ही अजीब लगता था, मतलब गजब का लगता था। और काफ़ी प्लेयर ना ऐसा नहीं कर पाते थे, उनको ये ट्रिक पता भी नहीं था क्या होता है। काफ़ी यूट्यूब में आप वीडियोस देख चुके होंगे जो बोल रहा है अपना थर्ड आईज यूज़ करो, मतलब ये वाला ऑप्शन यूज़ करो, तो उसके बाद आपका भी कैमरा एंगल ऐसे रायस्टार जैसा हो जाएगा। बट ये नहीं है, रायस्टार बहुत दिन पहले से ये चीज़ कर रहा है, बट तब तो थर्ड आईज ऑप्शन आया ही नहीं था। तो गाइस वो कैसे करता था और राय भाई का क्या ट्रिक है आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। एंड आई होप अगर आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखते हैं देन आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि आप ये कैसे कर सकते हैं। तो यस वीडियो को पूरा देखना। और ये मेरा नया चैनल है, मतलब पहला चैनल तो है नहीं अभी, तो ये मेरा नया चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट करना। सो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। साथ ही में अगर तुम लोग नए हो चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो यस चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस चलो बिल्कुल ही मेन पॉइंट पर आते हैं, कोई फर्स्ट और कोई लास्ट टिप्स नहीं, बिल्कुल मेन पॉइंट पर आते हैं और सारे चीज़ ना प्रैक्टिकल करके बताएंगे विथ हैंड का, मतलब समझ रहे हो ना, सब कुछ प्रूफ के साथ होने वाला है आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर ये चीज़ आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपना सेंसिटिविटी जो है वो देखो, गेम डिफॉल्ट मतलब 60 रहता है ठीक है, तो उसको पहले 100 कर लेना आपको। देखो सेंसिटिविटी ना बहुत ज़्यादा मैटर करेगा इस चीज़ में, पहले ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सो यस अपना सेंसिटिविटी जाओ और उसको पहले 100 कर लो, क्योंकि देखो मूवमेंट तभी इंक्रीज होगा जब आपका सेंसिटिविटी 100 रहेगा। और ये चीज़ पूरा बेस्ड है मूवमेंट के ऊपर कि आप अपना फिंगर कैसे रोटेट करेंगे। अगर आपने अपना सेंसिटिविटी 100 कर लिया देन आपको अब क्या करना है, देखो अगर आपको कोई बंदा एक्सपेक्ट कर रहा है यानी कि कोई बंदा देख रहा है जो एक्सपेक्टिंग कर रहा है, उसको आप कैमरा एंगल दिखाना रायस्टार जैसा। तो उससे पहले देखो मैं प्रैक्टिकल डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। इधर इधर देखो मेरे पास फोन है ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये हो गया मेरा स्क्रीन, यहाँ पे मिड ऑफ द जो फोन पॉइंट होता है, मतलब ये जो लाइन है यहाँ पर आपको टच करके फिंगर को पूरा रोटेट करना है ऐसे ठीक है। तो इधर से आपको रोटेट करते हुए जाना है, जैसे आपका एक रोटेट यहाँ पर पूरा होता है देन आपको दूसरी साइड रोटेट करना है, या तो आप ग्लू बॉल लगाएंगे या फिर नहीं भी लगाएंगे। और अगर आप एक चीज़ नोटिस करते हैं, ग्लू बॉल लगाते टाइम ये चीज़ नहीं, ग्लू बॉल लगाने के बाद ही रायस्टार का ऐसा कैमरा एंगल दिखता है ठीक है। सो जस्ट एग्जांपल इधर आपने अगर ग्लू बॉल लगाया देन आपको इधर से ऐसे टर्न लेते हुए मूव करते पूरा स्क्रीन को यहाँ तक घुमाना है ठीक है। और स्क्रीन के टच को कभी भी आप चेंज नहीं करना है, मतलब आपने जस्ट टच किया और ये टच ऑलवेज चलता रहेगा जब तक आप दौड़ रहे हैं या फिर भाग रहे हैं। और यही सबसे बड़ा चीज़ है रायस्टार फॉलो करता है, मतलब वो अपने टच को कभी नहीं छोड़ता। हाँ तब आप छोड़ेंगे जब आप एक ग्लू बॉल लगाएंगे या फिर फायर करेंगे, तभी आपको टच को छोड़ना है, वरना कभी भी नहीं छोड़ना। इधर से ऐसे जाना है फिर इधर आना है, मतलब आपने टच स्किन को कभी भी छोड़ना नहीं। देखो ऐसे बिल्कुल नहीं करना कि इधर मुझे सीधा जाना है देन इधर रन का बटन क्लिक किया और मैं चलता गया सीधा, ऐसे मुझे बिल्कुल नहीं जाना। अगर मैं ऐसे जाता हूँ तो मेरा सिंपल सा मूवमेंट दिखेगा इंस्पेक्टर को, इधर तो कुछ नहीं लगने वाला, जो एक्सपेक्ट कर रहा है उसको सिंपल सा दिखेगा ठीक है। बट जैसे ही मैंने बिहाइंड द मिड पॉइंट मैंने टच किया इधर, अब मैं ऐसे घूमते हुए जाता हूँ, तो जो एक्सपेक्टिंग कर रहा बंदा उसको इतना ओपी वाला मूवमेंट देगा कि वो सोचेगा भाई तू क्या कर रहा है ठीक है। और ये कोई थर्ड आइज यूज़ नहीं है। तो ये तो हो गया मेन पॉइंट कि आप जब सीधा रन करते हैं तब आप क्या कर सकते हैं। बट अगर आपको कुछ गॉड लेवल मतलब कुछ ज़्यादा ही दिखाना है कि आप मतलब जा रहे हैं कहीं और दिखा रहे हैं कहीं और, तब आपको यूज़ करना थर्ड आइज ठीक है। सो इस जगह पर आता थर्ड आइज का ऑप्शन काम में ठीक है। मतलब जस्ट एग्जांपल आप अगर सीधा जाते हैं और देखना आपको पीछे है तो आपको थर्ड आइज ही ऑप्शन यूज करना है, और इन दोनों के मेल से ही बनता है ओपी लेवल कैमरा एंगल। देखो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जब आप ग्लू बॉल लगाने के बाद भाग देना, आपको ऑलवेज टच वाला ऑप्शन ही यूज करना है। और अगर आपको पीछे या फिर बिहाइंड आपको कहीं भी और देखना होता है तब आप थर्ड आइज यूज कर सकते हो। यस गाइस आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। फिर से मैं बोल रहा हूं मेरा ये नया चैनल है, मेरा पुराना चैनल डिलीट हो चुका है, सो प्लीज प्लीज सपोर्ट करना ठीक है। सो यस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।